जम्मू कश्मीर में 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। श्रीनगर में इस अभियान की शुरुआत अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा केंद्र विवेक भरद्वाज ने की। कुल 8,33,000 किशोरों का टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में 15 से 18 साल के आयु वर्ग में टीकाकरण के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। जम्मू संभाग में इसके लिए 308 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जबकि कश्मीर संभाग में 514 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं। परसों ही आर्डर निकला है कि 15 से 19 साल के बच्चों की वैक्सीन विद इन एक हफ्ते के बीच में हो जानी चाहिए। आज ही कल ही मैंने रात को जो आर्डर बच्चों के लिए सेंड किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, आज देख सकते हैं मेरे यहाँ स्कूल के अंदर बहुत ही भीड़ हो गई है। मतलब कल 150-200 तक बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, अप्रोच किया है, पेरेंट्स की कंसर्ट के साथ आए हैं और बच्चे रेडी हैं वैक्सीन करने के लिए। अब क्या रीज़न है कि बच्चे इसका मतलब पढ़ना चाहते हैं कि स्कूल खुलें, हम यहाँ आएँ और पढ़ें और अपना पूरा जो फ़ायदा उठा रहे हैं वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन केंद्रों में टीकाकरण शुरू भी कर दिया है। काफी संख्या में युवा टीकाकरण के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ निजी स्कूलों में भी टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा दूसरे युवा भी पहुंच रहे हैं। मैसेज देना चाह रही हूँ, जैसे एलजी साहब ने 15-18 प्लस का ग्रुप अब स्टार्ट किया आज से, तो मैं देख रही हूँ बच्चों में बहुत एनर्जी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी पहले कराया, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी करवाया। मैं ये चाहती हूँ, जैसे न्यू वायरस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे बीच में ओमिक्रॉन, इससे बचने के लिए हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होना चाहिए। जैसे प्रिंसी मैम ने बोला है कि जैसे बच्चे बड़े उत्साहित हैं कि जल्दी वैक्सीनेट होने के लिए, शायद उनमें पढ़ने की है कि वो, मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि ऑफलाइन हम पढ़ें, क्योंकि टीचर्स प्रिंसिपल तब से वो चाह रहे हैं कि बच्चे फिजिकली प्रेजेंट हो और हम उन्हें, इसीलिए हम उन्हें जल्दी से, मैं भी यही चाहती हूँ कि वैक्सीनेट होएं और बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए।